हाय गाइस, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। ईद में बहुत सारा चिकन मटन खाने के बाद अभी जो है कुछ वेजिटेरियन बनाया जाए, इसलिए मैंने आज बनाया है बैगन फ्राई। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं कि बैगन फ्राई में कैसे बनता है और उसमें क्या क्या बनता है। तो आज मैं आपको पूरी रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए, पैन हमारा गरम हो गया है तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। पैन में डाल रहे हैं सबसे पहले तेल। इसमें तेल थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ेगा। 2 स्कूप मैंने तेल डाला है। इसमें तेल गरम हो गया, इसमें 4 से 5 दाना इसमें मेथी, 3 से 4 लहसुन मैंने कट करके डाल दिया है। लहसुन थोड़ा सा लाल हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाए तो फिर मैं इसमें डालूंगी। देखिए, बैगन मैंने आपको दिखाया था, इस तरह गोल गोल सा कट किया है बैगन और इसको डाल दूंगी डायरेक्ट, इस तरह से तेल में डाल दूंगी। बैगन को काट के मैंने पानी में रख लिया था, अगर पानी में नहीं रखते ना तो बैगन काला हो जाता है। तो बस तेल में आप मेथी डाला, लहसुन डाला और ये डायरेक्ट इसमें ये डाल दीजिए। झटपट बनता है, बहुत इजी, बहुत यम्मी बनता है। तीन से चार हरी मिर्च इस तरह लंबी लंबी काट दीजिए। मिर्च आप टेस्ट के हिसाब से डालिए, आपको जितना खाना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच, छोटा 2 चम्मच धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए जितना आपको खाना है। तो देखिए कितना मस्त दिख रहा है, कितना यमी लग रहा है माशाल्लाह। और ये हाँ, ये 1 चम्मच मैंने डाला है सौंफ, कलौंजी और जीरा पाउडर। इसको मिक्स करके भून के मैंने रखा हुआ है तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने बॉटल में भर के रखा है, इस ये डाल रही हूँ मैं। इसको मैं 2 चम्मच डालूंगी। एज पर योर टेस्ट नमक, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। 1 चम्मच व्हाइट विनेगर, अगर विनेगर नहीं है तो आप इसमें लेमन भी निचोड़ के डाल सकते हैं। बस अब इसको ढक के रख देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको बनाएंगे। जब बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देंगे, चला देंगे इस तरीके से और स्लो फ्लेम पे ढक के रखेंगे। हाँ, तो अभी ढक्कन को ढक देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको स्लो फ्लेम पे ही बनाना है, तो बस इसको थोड़ी थोड़ी देर से इसको पलट के देखते रहिए ताकि ये जले नहीं और इजीली पक जाए। फ्राई हो जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए अभी ये फ्राई होना शुरू हो चुका है। तो देख लीजिए, हमारे बैगन फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही यमी यमी से और बहुत ही टेस्टी टेस्टी से बैगन बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब मैं खाना सर्व कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा लंच हो गया है तैयार। मैंने बैगन फ्राई किया है और साथ में दाल, राइस, रोटी और अचार भी है। होप आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, अल्लाह हाफिज़।